लोकया में विवादित स्थल का मामला सुलझने के बाद पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी द्वारा स्थानीय विधायक पर दिए गए तीखे बयान को लेकर विधायक आलोक चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी पर लगाया सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काफी प्रयास किया पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी ने, जब नहीं बिगड़ी तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह मीडिया में आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक श्री चौरसिया ने कहा कि षड्यंत्र रचते रचते पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें कुछ दिनों के लिए कांके अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। तौर पर कहीं न कहीं एक राजनीति षड्यंत्र के तहत हमारी बढ़ती हुई कदम, और मैं खुद कहना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र में रहूं, मेरा घर वहां पर, इसलिए हमारे ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगा मेरे विरोधी द्वारा, और विरोधी कौन, केन त्रिपाठी द्वारा मेरे ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने दोनों समुदाय के लोगों को जब से मामला चला बराबर उस गांव में जाने के काम किए, लोगों से उठने बैठने के काम किए, और दोनों समुदाय से पूछ सकते हैं आप कि क्या विधायक ने कुछ ऐसा किया, उसका गुंडाओं ने जाकर कुछ ऐसा किया, तोड़फोड़ किया, वो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को जो विवाद था उस विवाद में कहीं ना कहीं हमारा विरोधी द्वारा उसको मतलब कि क्या बोलते हैं प्रताड़ित या भड़काने के काम किया जा रहा है। आज भी भड़काने का काम किया जा रहा है, अलग अलग बयान देकर उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाकर इस कार्य को बढ़ावा देने के काम किया जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमने दोनों समुदायों को अपने घर पर बैठाकर प्रशासन के संज्ञान में देकर एसपी डीसी और इसमें हमारे डीएसपी और थाना प्रभारी के संज्ञान में देकर लगातार मोबाइल पर कॉन्टेक्ट होने के साथ ही हमने इस कार्य को करने के काम किया, और प्रशासन भी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा किया, और निश्चित तौर पर प्रशासन को भी है कि हमारा विधायक हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे साथ जो घटना घटा उस घटना को ना अंजाम होने देने के लिए हम लोग के मदद करने के काम किया, और मेरा यही प्रयास रहा कि लोगों को कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी लोग हैं, कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग हैं जो जाकर वहां के लोगों को माहौल को बिगाड़ने के काम किए, जो बाहरी लोग हैं, जिसमें केन त्रिपाठी के भी आदमी हैं, उसमें मंत्री का भी सहयोगी है उसमें, जो जाकर वहाँ पर गलत सलत बयान देकर लोगों को भड़काने का काम किया, और इसी कारण आज उतना बड़ा घटना घटा। मैं उस घटना को निंदा करते हुए मैं दोनों समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने घटना बाद भी आप दोनों समुदाय ने एक साथ बैठकर हम लोगों ने परसों दिन हम एसपी साहब डीसी साहब प्रशासन के सारे लोग बैठे और बैठकर उस चीज़ पर हम लोगों ने विचार किया, और उसी बीच में से दोनों समुदाय के लोग आए और आकर हम लोगों से बोले कि हम लोग दोनों समुदाय आपस में बैठकर इस मामला को हल कर देंगे। बड़े बड़ी खुशी हुआ हम लोगों को कि चलो जी जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपस में दोनों समुदाय अगर बैठ कर इस समस्या को हल करेंगे तो इससे बड़ा कोई हल नहीं होगा, और निश्चित तौर पर दोनों समुदाय कल बैठे और बैठ कर इस समस्या को हल करने के काम किया। अब हम उस क्षेत्र का विधायक हैं, मेरा बगल का गाँव में घर है, अब मैं अगर दायित्व निभा रहा हूँ तो जो दायित्व निभाता उसी को पर आरोप लगता है। आज दायित्व अगर आलोक चौरसिया नहीं निभाता, आलोक चौरसिया के ऊपर कोई जिम्मेवारी रहता तो आलोक चौरसिया का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता कि आलोक चौरसिया भी इस चौरसिया समाज और इस क्षेत्र का कोई लड़का है जो नेतागिरी में उतरा है। मैं उस क्षेत्र का निश्चित तौर पर डाल्टनगंज विधानसभा का दायित्व निभा रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि षड्यंत्र के साथ साथ मैंने क्षेत्र को विकास भी कराने के काम किया हूँ, मैंने गरीबों को विकास कराया हूँ। आप देख सकते हैं गांव में जाकर सड़क बनाया हमने, बिजली दिया हमने, जो 5 साल में जो कार्य नहीं हुआ, जो 25 साल में जो कार्य नहीं हुआ, मैंने 2.5 साल में पूरा करने का काम किया। और जो मुस्लिम परिवार के बारे में बोला, जो हमदर्दी बनते हैं, और उस क्षेत्र में जाकर पूछिए कि कब्रिस्तान किसने बनाया, तालुक चौरसिया के दादा ने बनवाया, वहाँ के मस्जिद किसने बनाया, तालुक चौरसिया के दादा ने बनवाया, वहाँ पुरना मजवा के मस्जिद किसने बनाया, तालुक चौरसिया के दादा ने बनवाया, आज भी वहाँ के जो कब्रिस्तान है ना, वो आलोक चौरसिया का जमीन में कब्रिस्तान है, आप जाकर पूछ सकते हैं, और हम लोग उस कब्रिस्तान को बाउंड्री दिलाने जा रहे हैं, और मुस्लिम को बाउंड्री दिलाकर उसको तोहफा देने जा रहे हैं। हम लोग क्यों लड़ाई करेंगे, हम लोग क्यों सांप्रदायिक लोगों को बढ़ावा देंगे, हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र में जो मुस्लिम परिवार की जो एकता बना हुआ, खासकर उस क्षेत्र में हम लोग ईद में भी जाते हैं उनके घर जाके खटिया बैठ के खाते हैं, मुहर्रम में भी जाते हैं उनकी पगड़ी बांध के लाठी खेलते हैं हम लोग, और त्यौहार में हम लोग को बुलाता है, वो हमारे घर न्योता मानते हैं, वहाँ के पूर्णा मजगांव लोकिया के हमारे मामा के घर होने के नाते, क्योंकि वहाँ के लोगों को हम लोगों ने मामा कहने के काम करते हैं, वो लोग हमको भगना कहने के काम करते हैं, तो हम क्यों मामा भगना की लड़ाई लड़ाने के काम करेंगे मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार में, एक कहीं ना कहीं हमारी छवि को खराब करने के लिए मेरे विरोधी द्वारा जो अलग अलग बयान दिया जा रहा है। वही विधायक आलोक चौरसिया के पत्रकार वार्ता में पहुंचे मुस्लिम नेता ने कहा कि विधायक आलोक चौरसिया के अवधि काल में मुस्लिमों को जितना मान सम्मान मिला है
वह जितना मुस्लिम एरिया में काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। और माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अतः जितना इनसे बना हम लोगों के सामने इन्होंने प्रयास दोनों पक्षों किया है कि आगे का कोई घटना न पड़ सके। और मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से आप लोग के माध्यम से कुछ बोलने का हम लोग का भी आज मौका मिला, इसलिए कि अनर्गल बयान दे करके ये दोनों पक्ष को भड़काना चाहते हैं। आज जो 200 बरस से जो कायम है पथरा नहीं बल्कि उस इलाके में जहाँ जहाँ हमारे कास्ट एक मुस्लिम परिवार होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम परिवार को एक मुखौटा बना करके लोग चाहते हैं कि हम राजनीति में उसको उतार करके अपने मनसौदा को मैं पूरा करूं। तो वैसे मुस्लिम परिवार भी सारी तरह की बात समझ चुका है और मैं वहां मुस्लिम परिवार से लेकर के तमाम दोनों पक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं। जो व्यक्ति जो बुरी स्थिति से देख बुरी दृष्टि से देख रहा था कि वहां पर चार को दंगा हो जाए, चार को दोनों पक्ष से मारा जाए कि ताकि हम ऊंचा राजनीति करें और आलोक चौरसिया जैसे पक्ष यानी जो एकदम बेदाग होकर के जिन्होंने राजनीति किया मुस्लिम परिवार के लिए वैसे व्यक्ति पर दाग लगाने का जो प्रयास किया है, मैं एक सवाल के रूप में भी उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज दो साल में दो से ढाई साल आलोक चौरसिया के विधायिका हुआ है, इससे भी लोग पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुस्लिम परिवार के लिए एक भी शब्द बता दे कि कहीं जो धर्म स्तर का कोई काम करने का काम किया होगा। और मैं डंके के छोर पर मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि आलोक चौरसिया के दो साल का जो कार्यकाल है आज सबसे बड़ा अगर इस शासन में अगर कोई लाभ उठाया है तो वह मुस्लिम परिवार है। कहीं ना कहीं 25 जगहों पर मैं थोड़ा सा उदाहरण में दे देना चाहता हूं, क्योंकि लोग बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं और राज्य स्तर का नेता है, इस तरीका से बात बोलना अशोभनीय लगता है। ये डाल्टनगंज विधानसभा में कब्रिस्तान का जो स्थिति था, हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व कब्रिस्तान का ये जगह माना जाता है, मरने के बाद भी बहुत बड़ा शुभ नहीं हम मानते हैं उसको। वहां पर भी बहुत बैल से लेकर के बकरी तक खिंजर तक घूमता था। आज विधायक और मंत्री और सांसद को नहीं कहीं समझ में आता था, मुस्लिम नहीं समझ में आते थे। जब आज आलोक चौरसिया ने एक बहुत बड़ा मैंने क्या विकास के नाम पर इन्होंने जब कदम को बढ़ाया है मुस्लिम की ओर, तो आज खलबली तो मचेगा, कहीं दंगा होगा, कहीं फरसाद होगा, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं मजार के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आलोक चौरसिया जैसे जो विकास किया है मुस्लिम परिवार के लिए, यह कतई बिसरने का चीज नहीं है। हम सभी लोग हिंदू हो मुस्लिम हो, एक पथरा नहीं बल्कि पूरे चंदपुर प्रखंड में हम लोग एक मन बना लिए इस घटना से कि हम लोग एकत्रित होकर के एक भाईचारा का परिचय देंगे और जहां भी अगर किसी तरह का इस तरह का अगर उत्पन्न होता है तो ऐसे लोगों को नाकाम करने के लिए हम लोग सक्षम है और इस तरीका का अनर्गल बयान भी हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोकिया में बहुत दिनों से गहराया मामला तो सुलझ गया, परंतु राजनीतिक हलचल व तीखे बयानबाजी काफी तेज हो गई है। यह पब्लिक है, सब जानती है, जो आने वाले समय में जनता को जवाब देगी।